जबरदस्ती बुरखा निकालने के वास्ते मजबूर किया जा रहा है, जबकि डिपार्टमेंट के रिटर्न में ऑर्डर से इसमें जो है लिखा हुआ है क्लियरली के बच्चों को बुरखे के साथ बच्चों को अलाउ करो चेक करने के बाद, उसके बावजूद भी जो है लोग कल उतारने लगाए, कई बच्चे रोते हुए एग्जाम में जो है बुरे तरह से डिस्टर्ब हुए और आज भी जो है फिर आज भी निकालने लगा थे। अब बोलने के बोले हमारे को नहीं मालूम गवर्नमेंट के आर्डर से, बोल के बोलने के बाद गवर्नमेंट के आर्डर गवर्नमेंट के पास चलते हमारे पास नहीं चलते बोले लोग। बच्चों को जो है ऐसे बच्चे हैं जो कभी जिंदगी में बगैर बुरखे के नहीं निकले, तीन तीन घंटे बगैर उसके बुरखे के बैठ के एग्जाम लिखने में पूरे डिस्टर्ब हो गए, एग्जाम सही तरीके से नहीं गया। एक दिन का था सुबह में बोलने के बाद में फिर दूसरी बार भी जबरदस्ती उतारने लगा पूरे बच्चों से बुरखे। ऑफिसर बोलने के बाद में भी बोलने के बाद में फिर नहीं करते बोले थे, फिर कल जो करे उसके बाद इन्फॉर्म करे तो अच्छी बात है बोले। फिर आज सुबह में फिर पूरे बच्चों से उतारने लगाए बुरखे, वहाँ पे रखे हुए हैं नीचे उतार के बच्चों को एग्जाम लिखना है तो बुरखा उतारना पड़ता है, बोलते कल उतारने लगाए कई बच्चे एग्जाम लिखने के बाद आके बोले, और पेरेंट्स को जो है तीदू रोक दे रहे हैं कि बच्चे बोल नहीं सक रहे आके। कल भी बुरखा निकाले, आज भी बुरखा निकाला, कल भी बुरखा निकाले बच्चों का, रूल नहीं है फिर भी निकाल रहे बुरखा, आज भी बच्चे बोले कहते सर बुरखा निकालने का रूल नहीं है, बोले तो फिर भी आज भी बुरखा निकाल रहे, तो बोले तो हमारा रूल हम मेंटेन करते बोलते बोल गवर्नमेंट का रूल है। कौन सा स्कूल है ये? एसबीबी स्कूल सैदाबाद। रिटर्न में इंस्ट्रक्शन है उसके बावजूद भी बोल रहे कि बुरखा निकालना जरूरी है, हमारा गवर्नमेंट का रूल हमारे पास नहीं चलता, जबकि उनको हर कॉपी दी गई है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली तो बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद बुरखे के साथ एग्जाम लिखने का है, उसके बावजूद भी उनका आज भी वही ऑफिशियल लेवल पर भी कंप्लेन करें मगर फिर अभी भी वही आज भी उतारने लगा रहे बच्चे को, अंदर अलाउ नहीं करें बच्चे ठहरे हुए वहाँ पे। क्या प्रिंसिपल से बात किए इस तालुक से? नहीं नहीं अंदर जाने नहीं दे रहे, आप जाएंगे तो बजट के एग्जाम सेंटर में स्कूल स्कूल स्पेशल ఇట్లా చేయడం సమాన एक साल पढ़ा ना उनका प्रॉब्लम होता ना भाई, नीचे का प्रॉब्लम होता तो डिस्टर्ब कर देना, चीफ सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्शन बताना है, इसको फॉलो कहीं को नहीं करे मेरे को ये एक रिक्वेस्ट हमारा पेरेंट्स के तरफ से 12:30 के बाद आपके कितने देर बोलते उतने देर बात करो, 12:30 के बाद बच्चों का एग्जाम नहीं 12:30 के बाद कल नहीं होता प्लीज।